नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, इसका नाम है कमर्शियल वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं टाटा की LPT 709 EX2 हाईडेक गाड़ी, जो कि आप देख रहे हैं हाईडेक लोड बॉडी गाड़ी है ये। दोस्तों, जैसे कि आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि 709 का LPT मॉडल का एक बार रिव्यू कीजिए, तो आज हम लोग एक छोटा सा रिव्यू करेंगे टाटा LPT 709 EX2 हाईडेक का। दोस्तों, जैसे कि आप लोग सामने देख रहे हैं, दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ, LPT 709 EX2 BS4 हाईडेक गाड़ी है, हाईडेक लोड बॉडी गाड़ी है डाला के संग। ये इसका था मोनोग्राम, और ये फ्रंट पोजीशन देखिए दोस्तों, ये इसका फ्रंट, ये देखिए, यहाँ टाटा, ये सिग्नेचर है टाटा का, और ये सेंट्रल ग्रिल है, फाइबर का है ये। और जैसे कि हेडलाइट्स रहते हैं, ठीक बगल में आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं हेडलाइट्स का, और ये फॉग लैंप मिलता है आपको। EX2 मॉडल में आपको फॉग लैंप मिलेगा टाटा की हर गाड़ी का, हर गाड़ी में। ये टू पिन लगा है देखिए अंदर में, छोटा सा एक बम्पर में, और ठीक यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर के साथ ये मिल जाता है एक फॉग लैंप। दोस्तों, ये था इसका फ्रंट। दोस्तों, इस गाड़ी का प्राइस के बारे में आप लोग सोच रहे होंगे, इस गाड़ी का प्राइस कितना है, तो आपको बता दो दोस्तों, इस गाड़ी का जो प्राइस है वो है 13 लाख रुपए, 13 लैक्स। और अभी जो फेस्टिव सीजन है, तो दोस्तों इस गाड़ी के ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो आपको पता चलेगा डीलर के पास जाने से ही, क्योंकि अलग अलग शहरों में और अलग अलग डीलर अलग अलग प्राइस बताते हैं, कौन कितना मार्जिन रख के दे सकता है, तो ये आपको डीलर ही बता पाएंगे ओरिजिनल डिस्काउंट कितना चल रहा है। जो यहाँ पे लगभग चल रहा है, जैसे मुझे पता है, वो अभी फिलहाल फिलहाल आपको इसमें 1 से 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका प्राइस। अब दोस्तों इसकी माइलेज की बात कर लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों, इस गाड़ी का जो माइलेज है, लगभग 7 से 8 किलोमीटर पर लीटर आराम से दे देती है। हो सकता किसी को इससे बेसी भी मिले, कम भी मिले, लेकिन 7 से 8 एवरेज आप पकड़ चलिए, आराम से आपको मिल जाएगी इस गाड़ी में। 7 टन ट्रक है ये, LPT 738 व्हील बेस की। ये देखिए इसका चेचिस नंबर वगैरह पूरे डिटेल्स में, ये देखिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस गाड़ी को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस गाड़ी का हम लोग टायर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, सीएट की टायर है ये, सीएट मेक है, सीएट लिखे बुलंद बोल के लिखा हुआ है देखिए टायर पे। और इस गाड़ी का अगर हम लोग टायर का साइज देख ले, तो ये देख लीजिए, 7.50 by 16 LT, ये नायलन टायर है। दोस्तों, ये था इसका टायर। अब दोस्तों, ठीक बगल में जैसे कि हर गाड़ी मिलता है, देखिए बैटरी मिल जाता है आपको एमरन का, साथ में कटआउट मिल जाता है, जिसके मदद से हम लोग अपने बैटरी की बचत कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारा गाड़ी बैटरी डाउन हो जाता है, लेकिन अगर ये कटआउट आप ऑफ कर देंगे, तो बैटरी डाउन कम हो जाएगा, कम होना हो, बहुत कम हो जाएगा डाउन होना गाड़ी का। दोस्तों, ये देखिए साइड प्रोफाइल एक डाला का दिखा देते हैं आपको हम लोग। ये देखिए दोस्तों, डाला है इसका, और ये ठीक नीचे में देखिए, ये इसका साइलेंसर बॉक्स, ये देखिए दोस्तों, ये बगल में यहाँ पर आपको एयर टैंक मिल जाता है। और ये रियर के डबल टायर्स देखिए दोस्तों, इसका साइज आपको जैसे बता दिया था मैं, देखिए 7.50 by 16 LT, सेम C8 में का बुलंद टायर है देखिए। इसका स्टेपनी है दोस्तों, देखिएगा तो ये देखिए, इसका स्टेपनी यहाँ फिटेड रहता है नीचे में, ठीक ये इसका स्टेपनी हो गया। और दोस्तों, अब हम लोग पीछे से एक लुक ले लेंगे इस गाड़ी का। ये देखिए दोस्तों, टाटा लिखा हुआ डाला के ऊपर, ये देखिए। अब दोस्तों, हम थोड़ा डाला का एक बार लुक ले लेंगे, ये देखिए कंप्लीट डाला। डाला में आपको साइड में चेन मिल जाएगा, ये देखिए डाला चेन, और बैकलाइट की बात की दोस्तों, वही नॉर्मल बैकलाइट जो टाटा यूज करती है, वही बैकलाइट दिया गया है। एक यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, ये ब्रेक का लाइट दिया जाता है क्रॉस मेंबर के ऊपर, और ये पीछे में RUPD सेफ्टी पर्पस के लिए।
ये देखिए दोस्तों, ठीक साइड में आएंगे दोस्तों, आपको 160 लीटर का डीजल टैंक मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों डीजल टैंक इसका, ये साइड प्रोफाइल डाला का। अब दोस्तों हम लोग एक बार गाड़ी के अंदर जाके देख लेते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा गाड़ी के अंदर चल जाते हैं और देखते हैं इस गाड़ी का अंदर से किस तरह है, और इसका इंजन का साउंड भी सुनेंगे दोस्तों। ये देखिए सबसे पहले इसका बहुत ही सुंदर, देखिए स्टीयरिंग, बाउल स्टीयरिंग आता है EX2 मॉडल पे। ये इसका गियर पैटर्न देखिए, 1 2 3 4 5 6 इन रियर, 6 गियर एक रियर मिलता है, जैक जैक रॉड इसमें में आता है। ये इसका फ्रंट बोनेट देखिए, ये डैशबोर्ड देखिए। पहले तो हमने इग्निशन दे दिया गाड़ी का, ये हमने इग्निशन ऑन कर दी। अब दोस्तों इस गाड़ी का देखिए, यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है जो अभी ऑफ है, ये ब्लोअर है दोस्तों, ये देखिए ये ब्लोअर है जो कि टाटा की हर गाड़ी में भी आपको मिलती है LCV में, ये हमने ऑफ कर दिया। और ठीक बगल में आपको यहाँ डैशबोर्ड मिल जाएगा, लॉक की सुविधा है इसमें, आप लॉक कर सकते हैं कोई भी अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स वगैरह रखकर। और ठीक साइड में आपको देखिए नेट दिया गया है, स्पीकर लगा सकते हैं आप इसमें, म्यूजिक सिस्टम भी लगा के सकते हैं यहाँ पे देखिए दी गई ये जगह। और ठीक नीचे में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक लाइटर का सुविधा मिल जाता है, ये देखिए ये हम लोग बंद कर देते हैं। और इसका ऊपर देखिए बहुत ही सुंदर सीलिंग दिया गया है 6, और ये सनरूफ दिया गया देखिए। और ये को ड्राइवर का सीट पीछे में एक आपको सुंदर सा एक कांच दिया जाता है, इसको आप खोल सकते हैं, ये देखिए एयर पास होने के लिए। और ठीक बगल उसके ऊपर में देखिए आपको एक लाइट मिलता है, छोटा सा कैबिन लाइट, जो ये हम जला दिए, अब इसे ऑफ कर देते हैं। और बहुत ही सुंदर एक छोटा सा को ड्राइवर का सीट देखिए, और सेफ्टी बेल्ट आपको यहाँ मिल जाता है, ये देखिए ये BS4 इंजन है। अब दोस्तों इसकी स्पीडोमीटर की बात करें हम लोग, तो देखिए फ्यूल का, एयर का और किलोमीटर सब प्रेशर इसी में दिया गया है, बैटरी का सब दिखा रहा है, देख लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ा सा इसका आवाज आपको सुना जाता है, इंजन का साउंड, तो ये था इसका इंजन का साउंड। अब हम इसे ऑफ कर देते हैं दोस्तों, ये था इसका इंजन का साउंड, आप लोग सुन लिए। अब इसका थोड़ा इस साइड देख लीजिए, यहाँ पे आप यहाँ ये जो यहाँ से आप लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये देखिए, और यहाँ से आपका वाइपर के लिए दिया गया बटन देखिए, हाई ऑफ लो ऑफ भी यहाँ सब यहाँ से दिया गया है वाइपर के लिए। और ये सीख बगल में हैंड ब्रेक आपको बता ही चुका हूँ। बस दोस्तों अंदर तो यही था, अब हम थोड़ा बाहर चले जाएं। दोस्तों ये देखिए एक चीज बताना भूल गया, अभी टाटा मोटर हर गाड़ी में दे रही है ये फायर एक्सटिंग्यूशर, क्योंकि आग बुझाने में इमरजेंसी में काम आता है। और इसकी चाबी की बात करें तो आपको 2 चाबियां मिलती है इसमें, 2 ये देखिए इग्निशन की और 2 डीजल टैंक की मिलेगी आपको, टोटल 4 कीज आपको मिलेगी इसमें। और दोस्तों लेफ्ट साइड का देखें तो एक छोटा सा आपको यहाँ बोतल होल्डर मिल जाता है 1 लीटर का, और एक मैगजीन पॉकेट भी है चका सा। ये इसका लॉक, तो दोस्तों ये अंदर की हो गई। अब हम लोग इस साइड देखे तो इसमें आपको 2 लुकिंग ग्लास मिल जाएंगे, बिग लुकिंग ग्लास, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो नए नए आप तक पहुंचा सके। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, आजकल आप लोग मेरे
वीडियो को ना शेयर कर रहे हो, ना लाइक कर रहे हो, ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों को दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोग का जो भी परेशानी, जो भी कमेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके आपको उतना मदद करने के लिए, हर गाड़ी टाटा की कोई भी गाड़ी पे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।